हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और एरर लिमिट भी बतानी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो देखो इसको करते हैं। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज एंड देयर एरर लिमिट। तो देखो यहाँ पर जो R1 है वो कितना दिया हुआ है, 100 प्लस माइनस में 3, और R2 जो दिया हुआ है 200 प्लस माइनस में 4 ओम। ओम पता है ना रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं, इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो पैरेलल में हमें सॉल्व करना है, तो पैरेलल में आपको पता है कैसे होता है, 1/R इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस में 1/R2। अभी पता है ना ये R1 है, ये डेल्टा R1 है, ये R2 है, ये डेल्टा R2 है, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो देखो अब इसमें 1/R1 मतलब 100, 1/R2 मतलब 200, ठीक है। और इसमें 200 LCM आएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 3/200 हो गया। और ये 1/R की वैल्यू है 3/200, तो R कितना हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, 200/3 करना है, तो 3 6 18, 20, फिर 3 6 18, फिर 20 लगेगी तो पॉइंट लगेगा, 3 6 18, फिर 20, 3 6 18, ये तो सोन ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 66.66, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, बिकॉज 6 5 से बड़ा है, तो एक पिछली वैल्यू भी हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये 66 पॉइंट क्या आया है आपके पास, 7 आया है, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको इसमें, एरर। तो देखो एरर कैसे निकलेगा, मेन ये है कहानी। अब देखो एरर इसमें ऐसे निकलेगा, जहाँ पर भी इस तरीके से हो, 1/1/1/1 ऐसे, तो यहाँ पर कैसे निकलता है ये देखो मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा R/R2 एंड इज इक्वल टू में डेल्टा R1/R1 का स्क्वायर प्लस में डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर। देखो वैसे हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा R/R इज इक्वल टू में डेल्टा R1/R1 प्लस में डेल्टा R2/R2, लेकिन यहाँ स्क्वायर 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 आ गया नीचे। इन क्वेश्चंस में स्पेशली ऐसा होगा, देखो क्यों। देखो इन क्वेश्चंस में ये तो हमें पता चल गया कि कहानी अलग थी, 1/1/1/1 ऐसे था, इस वजह से ऐसे किया, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे होगा, तो देखो ये डिफरेंशिएशन से आया। देखो डिफरेंशिएशन से कैसे, देखो यहाँ से समझो। देखो डिफरेंशिएशन आपको पता है वैसे कि होती क्या है, जैसे मान लो x है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे x स्क्वेयर, मान लो x स्क्वेयर है, तो इसकी पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो ये 1 रह जाएगी, और साथ में ये dx, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे 1/R है इक्वल टू में 1/R1 एंड प्लस में 1/R2 ऐसे है, ठीक है। तो ये R ऊपर जाके क्या हो जाएगा, R की पावर -1, बिकॉज नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके -1, R1 क्या हो जाएगा, ये भी -1 एंड प्लस में ये भी क्या हो जाएगा, R2 की पावर -1। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, तो देखो ये -1 जो है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर आगे मल्टीप्लाई, फिर R, और इसमें एक कम होती है वैल्यू, ठीक है ना। जैसे 2 -1 किया था तो 1 आया था, तो -1 में -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे यहाँ पर ये -1 R1 और ये -2 हो जाएगा, प्लस में -1 ऐसे, और ये है R2 और ये ऊपर जाएगा -2। -2 क्यों हो रहा है, एक कम हो रही है पावर, तो देखो -1 में -1 करूँगा तो -2 हो रहा है, कहीं सोचो ये तो बढ़ रही है, माइनस में बढ़ रही है ना, तो उसका मतलब वो कम होना ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, R-2 माइनस में R1-2 और ये प्लस माइनस R2 क्या हो गया इसमें, ये माइनस का 2। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो माइनस में, तो R1-2 प्लस में R2-2 और ये माइनस में R-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये बच गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 में, और यहाँ देखो जब ये डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, तो यहाँ पर ये dr आएगा, जैसे ये dx था, यहाँ dr आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये dr और ये dr1 और ये dr2 ऐसे, तो यहाँ पर भी आएगा dr1 और ये भी dr2 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी dr1 है और ये dr2 है और यहाँ dr है, ठीक है। तो ये 1/R और पावर -2 थी ना, नीचे जाके क्या हो जाएगी, R2 इस तरीके से, और ऊपर क्या रहेगा, dr। अब ये dr को मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर डेल्टा R लिख रहा हूँ, तो ये dr और डेल्टा R एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो ये वाला क्या बन जाएगा, R1 की पावर -3 थी, तो ये -2 थी, तो R1 और ये पावर नीचे 2 हो जाएगी प्लस के, और ऊपर क्या रह गया, ये dr1, तो ये डेल्टा R1, समझ रहे हो। और ये R2 की पावर -2 है, तो ये 1/ R2 की पावर 2, और ये dr2 है, ये डेल्टा R2 हो जाएगा, समझ पा रहे हो ये बात, इस तरीके से। तो ऐसे आया ये, तो डिफरेंशिएशन से आया ये, ठीक है। तो देखो ये चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, ठीक है, मैंने बता दिया कि कैसे आया, नहीं तो आप इसको ध्यान में रखना कि जब भी ऐसे 1/1/1/1 इस तरीके से आए तो नीचे क्या आ जाते हैं, स्क्वेयर होंगे ये, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। देखो अब डेल्टा R हमें इनको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है यहाँ पर डेल्टा R1 और ये है R1 का स्क्वेयर प्लस में डेल्टा R2 और ये है R2 का स्क्वेयर।
तो ये जो आर स्क्वेयर है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके, ठीक है। अब इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो डेल्टा आर वन, और देखो आर स्क्वेयर यहाँ आएगा और आर वन स्क्वेयर भी है, तो मैं इसे कंबाइन करके लिख दूँ आर अपॉन में आर वन और इसका स्क्वेयर प्लस में। इससे देखो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना, ये आर स्क्वेयर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आर अपॉन में आर टू का स्क्वेयर, इस तरीके से। अब देखना जरा कैसे सोल्व होता है क्वेश्चन ईजी वे में। तो देखो डेल्टा आर वन, डेल्टा आर वन कहाँ है आपके पास, ये थ्री है। आर कितना था हमारे पास, देखो आर पॉइंटों वाला मत लेना, ये ले लेना 200/3, तो ये 200/3 और आर वन कितना है हमारे पास 100 है, समझ रहे हो ना कहाँ से पता चल रहा है, ये आर वन है ये डेल्टा आर वन है, तो ये डेल्टा आर वन ले लिया, ये आर वन ले लिया और आर कितना है 200/3 प्लस में। डेल्टा आर टू देख लो क्या है, 4 है, आर है 200/3 और आर टू कितना है हमारे पास, दैट इज़ 200, तो ये 200 हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर, और यहाँ भी इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। देखो दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, दो जीरो से ये दो जीरो और ये टू से टू कट गया। अब देखो थ्री ये रहा, टू टू ज़ा 4 और थ्री थ्री ज़ा 9 प्लस में 4, और ये वन ही बचा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, और नीचे बचा 3, तो 3 3 ज़ा 9 ये बचा आपके पास, ठीक है। और ये 3 3 ज़ा 9 तो ये बच गया 4/3 प्लस में 4/9। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ, ठीक है। अब इसमें 9 LCM आ जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। 9 क्या आ जाएगा LCM, 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 प्लस में ये 1 कितना हो गया ये आपके पास 16/9, ठीक है। अब देखो 16/9 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 16 और ये है 9, देखो 9 1 ज़ा 9 कितना बचा 7 0 और 9 पॉइंट कित पे जाएगा, ये किस पे जाएगा, ये 9 5 ज़ा 9 6 ज़ा 9 7 ज़ा 9 7 ज़ा 63 कितना बचा ये अगेन 7 0 फिर अगेन 9 7 ज़ा 63 फिर 7 0 9 7 ज़ा, ये तो सोन चलता रहेगा, तो ये आ गया आपके पास 1.777, इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक है। तो इसे वन डिजिट तक ही राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 1 पॉइंट में 7 देख लो, 5 से बड़ा है तो एक पिछला डिजिट क्या हो जाएगा, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ये 1.8 ओम इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो अब हम आर को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या आया था सोल्व करके 66.7 और ये डेल्टा आर कितना आ गया आपके पास 1.8। बताओ समझ में आया कैसे सोल्व किया, तो इस तरीके से आपको ये करना है, तो हमें एरर लिमिट भी यहाँ पर पता चल गई, ठीक है। तो देखो पैरेलल में तो आपको सोल्व करना आता ही था, क्लास टेंथ में भी आपने किया, ठीक है। बस यहाँ पर जो एरर था ये थोड़ा सा अलग है सोल्व करना कि किस तरीके से करना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने बता दिया, क्योंकि अलग भी है थोड़ा सा, ठीक है। कंसेप्ट अलग है कि इसमें ये जो रिलेटिव एरर है इसमें नीचे क्या हो रहा है, स्क्वायर 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 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चन में ये कैसे आया होगा, डिफरेंशिएशन करके आया इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कर लोगे इस क्वेश्चन को। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि है हमारे पास पावर ऑफ ए क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।